फिरोजपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार शेर सिंह घुबाया को पार्टी आला कमान ने राम भरोसे छोड़ दिया है। शेर सिंह घुबाया का मुकाबला अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल से है। अकाली दल की टिकट पर दो बार फिरोजपुर से जीतने वाले शेर सिंह घुबाया का प्रचार अभियान भी अभी तक कायदे से शुरू नहीं हो सका है। प्रचार का काम खत्म होने को है, लेकिन प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के कदम फिरोजपुर की ओर नहीं बढ़े हैं। शेर सिंह घुबाया की पूरी राजनीति अपनी राय सिख बिरादरी के आधार पर खड़ी है। राय सिख बिरादरी के दम पर शेर सिंह घुबाया ने विधानसभा के दो चुनाव जीते, दो बार लोकसभा में पहुंचने में कामयाब रहे। अपने बेटे देवेंद्र घुबाया को फाजिलका से कांग्रेस की टिकट पर विधायक भी बना लिया, लेकिन इस बार शेर सिंह घुबाया को अपनी बिरादरी का साथ भी पूरी तरह मिलता दिखाई नहीं दे रहा। अकाली दल राय सिख बिरादरी को पर्सन की बजाय पार्टी से जुड़ने की अपील कर रहा है। फिरोजपुर के गुरुहरसाई, जलालाबाद और फाजिलका विधानसभा क्षेत्रों के सीमांत गांवों में राय सिख बिरादरी की बहुसंख्या है। फिरोजपुर लोकसभा सीट पर राय सिख मतदाता 20% है, जिनको एक तरफा वोटिंग के लिए जाना जाता है। शेर सिंह घुबाया को फाजिलका और अबोहर के सिवा किसी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं का सहयोग नहीं मिल रहा। फाजिलका में शेर सिंह घुबाया के प्रचार अभियान की कमान उनके विधायक बेटे देवेंद्र घुबाया ने संभाल रखी है। अबोहर में शेर सिंह घुबाया की बागडोर यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला प्रधान संदीप जाखड़ के हाथ में है। संदीप जाखड़ पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ के भतीजे हैं। सुनील जाखड़ गुरदासपुर में फिल्म स्टार सन्नी देओल से मुश्किल मुकाबले में फंसे हुए हैं। 2017 का विधानसभा का चुनाव सुनील जाखड़ अबोहर से हार गए थे। सुनील जाखड़ की हार के पीछे कांग्रेस की अंदरूनी फूट और अरोड़ा मतों का भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण को माना जाता है। कांग्रेस की इसी कमजोरी को अकाली दल अपनी ताकत बनाने में लगा है। सुखबीर बादल ने अबोहर से 50,000 मतों की बढ़त प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी अबोहर से भाजपा विधायक अरुण नारंग और पूर्व सांसद जोरा सिंह मान के पुत्र वरदेव सिंह बाबी मान को दी गई है। मंगलवार को अकाली दल ने अबोहर में विशाल रैली करके अपनी ताकत का परिचय दिया। इस रैली को अकाली दल के सरपरस्त प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल ने संबोधित किया। अपने भाषण में दोनों नेताओं ने राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार बनाने के लिए वोट मांगे। मजेदार बात यह है कि फिरोजपुर में कई कर्मचारी संगठन कैप्टन सरकार के खिलाफ चुपचाप काम करने में लगे हैं। आंगनवाड़ी वर्कर कई बार शेर सिंह घुबाया का घेराव कर चुके हैं। अध्यापक भी चार चार के ग्रुप में घर घर जाकर वोटरों को ट्यूशन दे रहे हैं। इस ट्यूशन में मास्टर जी मतदाताओं को कैप्टन सरकार के खिलाफ पाठ पढ़ा रहे हैं। फिरोजपुर सीट के जातीय समीकरणों की भी जरा बात कर ली जाए। फिरोजपुर के 15 लाख मतदाताओं में से 35% हिंदू हैं। इनमें से करीब 4 लाख मतदाता अरोड़ा बिरादरी से संबंध रखते हैं। फिरोजपुर के फाजिलका, अबोहर, बलुआना और मुलोट विधानसभा क्षेत्रों में हिंदू मतदाताओं की बहुसंख्या है। फिरोजपुर में जट सिख मतदाता 25% और कम्बोज मतदाता 18% है। करीब 1,00,000 बाबरी समुदाय के मतदाता भी फिरोजपुर में हैं। इनमें से किसी बिरादरी का एक तरफा झुकाव कांग्रेस के उम्मीदवार शेर सिंह घुबाया की तरफ दिखाई नहीं देता। पिछले विधानसभा चुनाव में अकाली दल की शर्मनाक हार हुई थी। कांग्रेस ने विधानसभा में 2/3 बहुमत हासिल किया था। आम आदमी पार्टी के 20 विधायक जीते थे और अकाली दल की संख्या सिर्फ 15 तक सिमट कर रह गई थी। चुनाव के बाद रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा के नेतृत्व में पुराने नेताओं का एक धड़ा सुखबीर बादल की नीतियों के विरोध में अकाली दल से अलग हो गया था। उसके बाद कैप्टन सरकार ने बादल परिवार के खिलाफ बेअदबी और गोलीकांड का जिन खड़ा कर दिया। ऐसे में सुखबीर बादल ने फिरोजपुर से चुनाव लड़ने का निर्णय लेकर अपनी क्षमता को कसौटी पर कसने का हौसला किया है। अपना चुनाव लड़ने के साथ सुखबीर बादल हर रोज अलग अलग हलकों में 3 रैलियां करते हैं। बठिंडा में अपनी पत्नी हरसिमरत कौर बादल के प्रचार अभियान की मॉनिटरिंग भी करते हैं, लेकिन शेर सिंह घुबाया के लिए तस्वीर इतनी गुलाबी नहीं है। लगता है कि शेर सिंह घुबाया कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए हैं। शेर सिंह घुबाया की अंतिम उम्मीद चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के फिरोजपुर सीट पर होने वाले दौरे पर टिकी थी। प्रचार अभियान का समय खत्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, लेकिन गांधी परिवार के इन दो बड़े चेहरों में से किसी का फिरोजपुर आने का कोई कार्यक्रम तय नहीं है। इससे साफ लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप ने शेर सिंह घुबाया को राम भरोसे छोड़ दिया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।